नमस्कार, पेप्टेक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। कोरोना काल में लोगों को ये बात स्पष्ट हो गई कि प्राकृतिक तरीके से जीवन जीना काफी महत्वपूर्ण है। अगर हम प्रकृति के नजदीक रहते हैं तो हमें तमाम तरह की बीमारियां घेरेंगी नहीं और हमको एलोपैथी या अन्य तरह की दवाओं का सेवन नहीं करना पड़ेगा। इस पूरे विचार को गांधी आश्रम द्वारा एक 2 दिवसीय प्राकृतिक चिकित्सा और योग प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से लोगों के समक्ष रखा जा रहा है। सोमवार से गांधी आश्रम में 2 दिवसीय प्राकृतिक चिकित्सा और योग का प्रशिक्षण शिविर प्रारंभ हो गया। इस शिविर में दिल्ली के राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त जाने माने होम्योपैथिक चिकित्सक और जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर ए के अरुण एवं प्रसिद्ध रक्षा वैज्ञानिक व DRDO जोधपुर के पूर्व निदेशक डॉक्टर राम गोपाल ने शिरकत की। विशेषज्ञों के द्वारा पहले दिन प्राकृतिक जीवन दर्शन और प्राकृतिक चिकित्सा पर अपने विचार रखे गए। डॉक्टर ए के अरुण ने बताया कि कोरोना काल इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है कि गांधी के द्वारा प्राकृतिक जीवनी शक्ति को पहचान कर उसको सुदृढ़ करने का जो रास्ता हमें दिखाया गया था वही सबसे सही है। उन्होंने कुछ मजेदार सवाल उठाए, मसलन कोरोना काल के दौरान हर किसी को वायरस ने अपनी चपेट में क्यों नहीं लिया, जानवरों से जो बीमारी हम तक आई उससे जानवरों की ही मौत क्यों नहीं हुई, पहले रेमडेसिविर आइवरमेक्टिन जैसी दवाओं को खिलाया गया और उनका कोई फायदा नहीं हो रहा था, ये कहकर WHO ने उन्हें इस्तेमाल न करने की हिदायत भी दी। ऐसी तमाम बातें हैं जो हमें बताती हैं कि वायरस के इस हमले में नुकसान सिर्फ उन्हीं को हुआ जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम थी। और हम लोग पूरे देश में प्राकृतिक जीवन शैली और प्राकृतिक उपचार के प्रचार का काम कर रहे हैं और हम लोगों का जो उद्देश्य है वो बहुत साफ है कि इस समय पूरे देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में आपने देखा होगा कि एक छोटी से वायरस की महामारी ने पूरी दुनिया को तबाह करके रखा। संभवतः 100 साल के इतिहास में शायद यह पहली घटना है जब पूरा देश एक साथ लॉकडाउन हुआ। पहले किसी इलाके में बीमारी होती थी तो उस इलाके को लॉकडाउन करते थे, बल्कि लॉकडाउन तो किसी ने सुना भी नहीं होगा। तो ये जो चुनौती है, ये चुनौतियाँ बढ़ने वाली है पूरी दुनिया में। इस तरह के वायरल डिजीजें जब बहुत तेज़ी से बढ़ने वाले हैं, और हमने ये भी देखा कि आधुनिक चिकित्सा पद्धति उसका उपचार नहीं कर पाई, लोगों की जाने गई, इतना सब कुछ होने के बावजूद, इतना बड़ा महकमा है स्वास्थ्य विभाग का, इन सब के बावजूद भी ऑक्सीजन की कमी से लोग मरे, लोगों की इम्यूनिटी नहीं थी। आपने सुना होगा कि लोग इम्यूनिटी बढ़ा रहे थे। तो इन सब कामों का जो मुख्य जिसको कहते हैं चिकित्सा तंत्र है वो है प्राकृतिक उपचार। अगर प्राकृतिक तरीके से व्यक्ति की जीवन शैली होती तो सबकी इम्यूनिटी ठीक होती, और अगर उनकी इम्यूनिटी ठीक होती तो इतने बड़े पैमाने पे मौत नहीं होती। बिना दवा के सिर्फ जीवन शैली के कुछ लक्ष्य तरीके हैं उसको सीखकर, ये जो प्राकृतिक उपचार केंद्र बनाया गया है बा बापू प्राकृतिक उपचार केंद्र छतरपुर में गांधी आश्रम में, उसका यही उद्देश्य है। और आज हम लोग 2 दिन के इस प्रशिक्षण शिविर में यहाँ के लोगों को यही शिक्षित करने आए हैं कि प्राकृतिक जीवन शैली को सीखना बहुत आसान है। सिर्फ 1 हफ्ते की ट्रेनिंग से आप अपने पूरे जीवन को व्यवस्थित करने के सारे गुर सीख सकते हैं, और ये सारे के सारे गुर जो हैं वो वैज्ञानिक हैं, तार्किक हैं, उसमें कोई आपको इधर से उधर कुछ कोई बहुत बड़े पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। शिविर के दूसरे सत्र में डॉक्टर राम गोपाल ने जीवन में योग और उसकी वैज्ञानिकता पर प्रकाश डाला। सत्र के दौरान गांधी आश्रम की प्रबंधक दमयंती पाणी ने कहा कि प्राकृतिक चिकित्सा प्राकृतिक जीवन शैली का एक हिस्सा है, हमें संपूर्ण जीवन शैली को सुधारना होगा तभी हम भविष्य की चुनौतियों से मुक्त हो सकते हैं। आज प्राकृतिक चिकित्सा शिविर का 2 दिन का शिविर रखा गया है। गांधी स्मारक निधि 11 सालों से ही प्राकृतिक चिकित्सा का शिविर करता रहा स्वच्छ चिकित्सा उत्सव के नाम से, पर अभी कोरोना के कारण 2 साल से सब बंद हो गया था, और ये 14 नवंबर को प्राकृतिक चिकित्सा का उद्घाटन भी हुआ है। उसी के उपलक्ष्य में दिल्ली से डॉक्टर अरुण जी आए हुए हैं और डॉक्टर राम गोपाल जी हमारे साथ हैं। तो प्राकृतिक जीवन शैली को जिए, प्राकृतिक चिकित्सा एक हिस्सा है, पर हम अपना पूरा जीवन ही प्राकृतिक तरीके से क्यों ना जिए। जीवन बना ही पंच तत्वों से जो प्रकृति से ही हमें मिलता है, तो मुझे लगता है कि हम सभी को प्राकृतिक पूर्वक जीवन शैली जीना चाहिए, इसके लिए शिविर किया।